अरे आलोक, अब ये एक सामाजिक समीकरण बनता दिख रहा है, पेशबंदी की जा रही है, चिंता का सबब है आपके लिए या ये पीडीए जो केशव प्रसाद मौर्य हैं बस वहीं तक सीमित है? देखिए संदीप, पीडीए वीडियो को लगता है मुझे राहुल गांधी से इंस्पायर हो गए अखिलेश, इसलिए पीडीए वीडियो शब्द निकाला है, क्योंकि पीडी का शब्द तो राहुल गांधी ने ही निकाला था। खैर एनीवे, मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा। अभी ममता बनर्जी की बात कर रहे थे, ये एक न्यूज़ छपी, पता नहीं कैसे गलत न्यूज़ होगी, इकोनॉमिक टाइम्स की, कांग्रेस एन अलाई ऑफ बीजेपी लेफ्ट इन बंगाल, ममता कॉन्ट्राडिक्शंस में बता रहा हूँ, ये अब बीजेपी के अलाई हो गए कांग्रेस और लेफ्ट, है ना, तो ये कैसे क्या करेंगे? अब उस पर जवाब देंगे सुरेंद्र राजपूत। इन्होंने कहा कि अलायंस हम कर रहे हैं क्योंकि जनता का दबाव है। जी नहीं, सच्चाई बोलिए, अलायंस आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का खतरा है आप लोगों के, जितने लोग अलायंस में आए हैं। दूसरी बात, आप लोकतंत्र बचाने नहीं निकले हैं, जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना, देश का सवाल अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, बहुत देश की चिंता है, हैं? परिवार बचाने निकले हैं, परिवारवाद बचाने निकले हैं, अपने पे करप्शन के चार्जेस बचाने निकले हैं कि मोदी इस बार अगर आ गया तो जो भी बचा कुचा है चला जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, सब कुछ होगा। तो परिवार बचाने और अपने पे करप्शन के चार्जेस बचाने निकले हैं, और प्लस सत्ता में आने के बाद 9 साल से जितनी वसूली नहीं हुई वसूली करने निकले हैं। 9 साल में आपने बोलते बोलते सुरेंद्र जी बोल गए, एक मिनट, 9 सालों में कितने भ्रष्टाचारी नेता, मैं खत्म कर लूं उसके बाद आप अपनी कमेंट्री कीजिएगा। हाँ हाँ, चलिए बोलिए बोलिए। देखिए 9 साल में ईडी ने मात्र 1.5 लाख करोड़ रुपए जब्त किए हैं, संपत्तियां जब्त की हैं, लोगों पे चार्जेस हुए हैं, ट्रायल चल रहा है, बहुत लोग बेल में हैं। आप भूल गए क्या, कभी भी सजा हो सकती है, बहुत लोग बेल पर हैं। अच्छा, ये बात बोलते सुरेंद्र जी बोलते बोलते बोल गए कि नागपुरीय के निर्वंशों को परिवारवाद पे, वो नागपुरीय के नागपुर के निर्वंश नहीं है, उन्होंने राष्ट्र के प्रति जीवन समर्पित किया है और अपना घर बार छोड़कर राष्ट्र सेवा में जुटे हुए हैं, इसलिए अपनी भावना को जरा सही रखिए। निर्वंश तो आपके यहाँ है 54 साल से, अपने 54 साल के निर्वंश को संभाल लीजिए, उसके बाद नागपुर के निर्वंशों के बारे में बोलिएगा। परिवारवाद पे हो गया, निर्वंश पे हो गया, और अहंकार कह रहे हम, इन्होंने एक बात और माननी कि हम सब अपना अहंकार त्यागेंगे, मतलब ये मान चुके हैं कि अहंकारी थे, ये सारे लोग अहंकारी थे, अभी खुद कहा ना इन्होंने हम भी अपना अहंकार त्यागेंगे, वो भी अपना अहंकार त्यागे। अरे कौन सा अलायंस होगा, मैंने कितनी बार 1 साल से कह रहा हूं कोई अलायंस अलायंस नहीं होगा, अलायंस नहीं होगा, या इसी तरह से ये नूरा कुश्ती जारी रहेगी। आप सोचिए कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं नहीं अजय अलायंस होगा नहीं, और बताए तो फिर या ये 23 तारीख को बैठक, यही आपकी कल्पना है कि ना हो भैया, हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, इसका पलट पहलू ये है ना? अरे भैया क्यों, अरे हमें क्यों दिक्कत आएगी, आप ये बताइए ना। आप यहाँ अनुराग भदौरिया बैठे हुए हैं, हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे, अनुराग भदौरिया के सपा के अखिलेश बिहार में क्या कर लेंगे, नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में जाके क्या करेंगे, कांग्रेस तो दोनों जगह से वैसे ही साफ है, क्यों टीडीपी बंगाल में जाके ये तीनों क्या कर लेंगे, जेडीएस के साथ समझौते करते घूम रहे हैं आप? टीडीपी, एक मिनट सुनिए, हम तो जो हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज हैं हम अलायंस करेंगे, क्योंकि उनका उनके राज्यों में भी प्रभाव है और हमारा प्रभाव है। तो वो वाजपेयी साहब की एनडीए में, अजय वाजपेयी साहब की एनडीए में 28 दल थे, वो भी सब मौका परस्ती में साथ आए थे, या आपका कुनबा छोटा हो रहा है, बीजेपी का साइज बड़ा है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर कुनबा छोटा हो रहा है, विपक्ष का कुनबा बड़ा होता जा रहा है, और ये मजबूत ना हो जाए, संगठित ना हो जाए, दिक्कत वहां है क्या? देखिए कोई दिक्कत नहीं है संदीप, देखिए लोकतंत्र में हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने दम पे बहुमत में आए, और 40 साल के बाद 1984 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये कारनामा एक बार नहीं दो बार किया, और पिछली बार से ज्यादा सीट लेके आए और इस बार भी ज्यादा लाएंगे। मैं कॉन्ट्रडिक्शंस की बात कर रहा था, आपने टोक दिया, एक कॉन्ट्रडिक्शन और देखिए, 23 को बैठक है लेकिन 20 तारीख को स्टालिन से मिलने जा रहे हैं, ऐसी क्या बात होगी जो 23 को नहीं हो सकती है? ये पेच फंसता हुआ, ये लोग खुद फंसा रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आप, किसी बहाने चर्चा होती रहे विपक्ष की, वही कह रहे हैं आप, चर्चा होती रहे विपक्ष की, नीतीश कुमार चर्चा करवाते रहे, ममता बनर्जी चर्चा करवाते रहे, अखिलेश चर्चा होते रहे, होना जाना कुछ नहीं है, होगा वही ढाक के 3 पात। आप जो सीट गिनवा रहे थे, मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूं, 42 बंगाल, 80 यूपी, 122, उसके बाद आप 39 आ जाइए तमिलनाडु, 162,
आपको इतने इतने सीट्स हैं जहां पे बिहार में 40-200, इन 200 सीटों पे क्या कांग्रेस तैयार हो जाएगी 15-20 पे लड़ने के लिए? खुद सोच लीजिए, चाहे तैयार हो जाए हमें क्या दिक्कत है, हमें तो सब पे लड़ना है, हम तो तैयार ही है लड़ने, यही कामना कर रहे हैं कि भाई अरे ये कैसे मानेंगे, उत्तर प्रदेश में बोलेंगे, इन आंकड़ों से आप संतोष ले रहे हैं, मान जाए बहुत अच्छा रहेगा भाई, मान जाए। और उत्तर प्रदेश में कब नहीं साथ में थे, अरे बुआ भतीजा मिलके लड़े, दो भाइयों की जोड़ी लड़ी, अभी भी तो वही कॉम्बिनेशन बनने की तैयारी है ना, फिर से दो भाई लड़ेंगे, एक साइकिल कमंडल तो नहीं होता दिख रहा है, बना ले कि मंडल बनाम कमंडल की, आपको पिछले बार बोला था ये मंडल ये सोशल इंजीनियरिंग जो आपने की, अब वो क्या विपक्ष करता दिख रहा है और उसमें महंगाई बेरोजगारी का पुट डाला जा रहा है। एक मिनट संदीप जी, आपकी मेमोरी कम हो गई है, आपकी उम्र बढ़ रही है, पिछले ही डिबेट में आपको बोला था ना क्या खा के लड़ेंगे ये लोग, जिसके दिमाग में मंडल हो और दिल में कमंडल हो से लोग क्या खा के लड़ेंगे भाई, दिमाग में मंडल दिल में कमंडल, सब मोदी राजीव रंजन समाहित है।